वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जीके नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो HSSC के एग्ज़ाम्स हैं जो 25 मार्क्स का हम प्रिपेयर कर रहे हैं। लास्ट सेक्शन उसके लिए हमने टॉपिक जो उठाया है वो पावर प्लांट्स हैं, मतलब बिजली संयंत्र जो है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारे जो टॉपिक्स हैं जो हमने पहले लास्ट लेक्चर्स में कवर किए हैं वो काफ़ी हद तक उसमें ज्योग्राफी जो सी है वो कवर हो गई है, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जू, नेशनल पार्क्स, ये सब कुछ हमने प्रिपेयर किया है। तो जो स्टूडेंट्स HSSC की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, वो उन लेक्चर्स को देखना ना भूलें। तो आज का जो लेक्चर है उसके ऊपर हम आते हैं, वो है पावर प्लांट्स का, जिसे बिजली संयंत्र भी कहते हैं। हरियाणा में पावर प्लांट्स भी हैं, थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आएगा 2021 में। तो उसके बारे में इन इन सब पावर प्लांट्स को जो मेंटेन करती है वो कौन सी एजेंसी करती है, हरियाणा गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट की जो एजेंसी है जिसका जो पावर प्लांट्स को मेंटेन करते हैं, उसका नाम है HPGCL। ठीक है, इतना याद करोगे इसका फुल फॉर्म इजीली निकल आएगा, HPGCL, इट इज CL, HPGCL, एच से हरियाणा, पी से पार, जी से जनरेशन, सी से कॉरपोरेशन, लिमिटेड, एल से लिमिटेड। सो HPGCL सारे जितने भी पावर प्लांट्स हैं हरियाणा में उसको कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है, उनकी वर्किंग चेक करती है, और सारा कंट्रोल जो है वो HPGCL के पास ही है। और ये हरियाणा गवर्नमेंट की जो है ऑथराइज्ड हरियाणा गवर्नमेंट की ही एक एजेंसी है। ठीक है, ये इसका अगर जब हमने HPGCL याद करा है तो हमें उसका ईयर, हेड क्वार्टर और चेयरमैन याद होना बहुत ज़रूरी है। तो किस ईयर में इसकी स्थापना हुई थी, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है 1997। ठीक है, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ HPGCL जिसे जो पावर प्लांट को मेंटेन करती है। ठीक है, 1997 ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है। HQ जो है यहां पे वो हेडक्वार्टर है। ठीक है, HQ इज हेडक्वार्टर, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पंचकुला में। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है किसका, HPGCL जो पावर प्लांट्स को मेंटेन करती है हरियाणा में। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में है, और किस ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी वो है 1997। अब इनके चेयरमैन भी हमें याद होने बहुत जरूरी हैं, वो है चेयरमैन श्री मधुसूदन प्रसाद। ठीक है, श्री मधुसूदन प्रसाद। सो पावर प्लांट्स को कंट्रोल करना, मेंटेन करना, उनकी वर्किंग चेक करना, इन सबको जो देखती है जो एजेंसी वो है HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। 1997 में एस्टैब्लिश हुई, पंचकुला में हेडक्वार्टर है, और चेयरमैन जो है इनके वो है श्री मधुसूदन प्रसाद। हमें याद करना बहुत जरूरी है। किस तरह के पावर प्लांट्स को ये मेंटेन करती है वो हम लिखेंगे, वो है सबसे पहले थर्मल नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक नेक्स्ट है न्यूक्लियर इसे लिखेंगे हम थर्मल पावर प्लांट मतलब ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, संयंत्र। नेक्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इसे कहेंगे जल विद्युत शक्ति
संयंत्र, ठीक है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र. नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट. इसे लिखेंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र. ठीक है, तो अभी हमने जो प्रिपेयर किया है वो है कि हमारे हरियाणा में जो पावर प्लांट्स हैं उनको मेंटेन कौन से कौन करता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर क्या है और चेयरमैन क्या है. याद रखेंगे कि ये जो हेडक्वार्टर है इसकी एच क्यू मैंने लिखा है यहाँ पे, इसे हेडक्वार्टर ऐसे ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज ना हो जाए. चेयरमैन जो है वो है श्री मधुसूदन प्रसाद. ठीक है, श्री मधुसूदन प्रसाद. और किस तरह के जो पावर प्लांट्स हैं उनको मेंटेन करके रखता है एचपीजीसीएल, वो है थर्मल प्लांट, देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, देन है न्यूक्लियर पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट को कहते हैं ताप विद्युत संयंत्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को कहते हैं जल विद्युत शक्ति संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट को कहते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र. ठीक है, ये हमने करा था कि मेंटेन कौन करता है. अब हम करेंगे कि थर्मल पावर प्लांट्स या थर्मल पावर स्टेशन हैं कौन से. आज के जो हमारे लेक्चर में है वो मैंने दो इंक्लूड करे हैं सो दैट याद करना इजी हो जाए. तो पहला हम करेंगे वो है पीटीपीएस. ठीक है, पीटीपीएस है पानीपत थर्मल पावर स्टेशन या पानीपत थर्मल पावर प्लांट. ठीक है, पानीपत थर्मल पावर प्लांट, इसे ऐसे लिखेंगे पानीपत थर्मल पावर स्टेशन. स्टेशन लिखें या प्लांट लिखें एक ही बात है. ठीक है, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन जो हमारा पहला मैंने उठाया है पीटीपीएस, ये कोल बेस्ड है यानी कि कोयला इस्तेमाल होता है. ठीक है, कोल बेस्ड है और ये हरियाणा का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ हरियाणा. ठीक है, ये पीटीपीएस मतलब पानीपत थर्मल पावर स्टेशन जैसा है, ये कोल बेस्ड है और ये हरियाणा का बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट है. ओके, नेक्स्ट जो है इसमें हमने ऑप्शन ऐड किए हैं, जो बॉक्स ऐड किए हैं वो है कि इसमें दो इनके टावर्स हैं, वो है पीटीपीएस वन एंड पीटीपीएस टू. पीटीपीएस वन एंड पीटीपीएस टू मतलब पानीपत थर्मल पावर स्टेशन वन एंड पानीपत थर्मल पावर स्टेशन टू. ठीक है, जो फर्स्ट वाला हमारा पानीपत थर्मल पावर स्टेशन है वो उसमें फोर यूनिट्स लगाए गए हैं. ठीक है, और 100 मेगावाट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो पीटीपीएस जो सा है वो चार यूनिट उसमें है और 110 मेगावाट जो सा है वो प्रोड्यूस करता है. इसी तरह से पीटीपीएस टू जो सा है उसमें दो यूनिट्स जो से हैं वो लगाई गए हैं, एक है 210 मेगावाट प्रोड्यूस करने वाला और जो दूसरे दो हैं वो 250 मेगावाट प्रोड्यूस करने वाले हैं. ठीक है, इस हिसाब से जो पीटीपीएस हैं उसमें टोटल यूनिट्स कितने हो गए, 8. ठीक है, इसे याद रखिए, इनके क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि पीटीपीएस में यानी कि पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में कितने यूनिट्स हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 8. तो 4 यूनिट्स 110 मेगावाट पीटीपीएस 1 में है और 2 यूनिट्स 210 वाट पीटीपीएस 2 एंड 2 यूनिट्स 250 मेगावाट्स पीटीपीएस 2. टोटल यूनिट्स कौन से हैं, वो 8 यूनिट्स हैं. ठीक है, पीटीपीएस पानीपत थर्मल पावर स्टेशन कोल बेस्ड है और बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट है. ठीक है, जो नेक्स्ट हमने उठाया है वो है इसमें दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन. दीन बंधु पहले हमने करा है पीटीपीएस. ठीक है, अब हम करेंगे दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन जो है यमुनानगर में. ठीक है जी, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन जो है यमुनानगर में.
दो कंपनीज इसको बनाने में इन्वॉल्व थी, वो पहले नंबर पे जो सी कंपनी है वो है रिलायंस एनर्जी लिमिटेड. रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, ठीक है. दूसरी जो कंपनी इन्वॉल्व थी वो थी शंघाई इलेक्ट्रिक, जो कि चाइना की कंपनी थी. शंघाई, इट इज जी इलेक्ट्रिक, जो चाइना की कंपनी है, ठीक है. तो दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन यमुनानगर में है. थर्मल पावर स्टेशन या थर्मल पावर प्लांट, जो मर्जी कह लो, ईजी जिसमें आपको लगे, तो यमुनानगर में है. और दो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व थी इसमें, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड एंड सेकेंड कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक, जो चाइना की थी, ठीक है. बेस्ड ऑन किस पर निर्भर थी ये, वही कोल पे, जिस पे पुराना वाला जो पावर प्लांट था पानीपत वो निर्भर था, यानी कि कोयले पे निर्भर था. पहला जो इसका यूनिट था वो 2008 में स्टार्ट हुआ था, 2008 में स्टार्ट हुआ था. इसमें जैसे पहले हमारे 8 यूनिट बन गए थे पीटीपीएस में, इसमें कितने बनेंगे, 2 यूनिट्स 300 मेगावाट के, ठीक है. 2 यूनिट्स 300 मेगावाट के, इस हिसाब से टोटल कैपेसिटी इस पावर प्लांट की कितनी हुई, 600 मेगावाट, समझे. 2 यूनिट्स 300 मेगावाट कि इसमें जो सा टोटल इसकी कैपेसिटी कौन कितनी लेके आया, 600 मेगावाट की, ठीक है. ओरिजिनली जो सा ये पावर प्लांट था ये 1981-82 में स्टार्ट हो जाना चाहिए था, ठीक है. ओरिजिनली जो प्रपोज कर दिया गया था कि ये स्टार्ट किया जाएगा वो 1981-82 में शुरू कर देना चाहिए था, बट वो पेपर्स में रह गया और शुरू नहीं हो पाया, इस वजह से लेट जो सा है इसका पहला यूनिट स्टार्ट हुआ, ठीक है. बट बाद में जो सी गवर्नमेंट्स बदली, तो जो सी गवर्नमेंट थी हमारी हरियाणा गवर्नमेंट थी, उन्होंने 2005 में इसको फाइनली डेवलप करवाया. तो 1981-82 में इसके बारे में बात होनी शुरू हो गई थी, बट वो प्रोसेसिंग में नहीं आया, इस वजह से ये 1981 से शुरू होकर 2005 तक यहाँ पर ये ओरिजिनली डेवलप हुआ, ठीक है. जिसमें से ये जब ओरिजिनली डेवलप हुआ तो 2005 था ईयर, ठीक है. बट इसका जो पहला यूनिट था वो 2008 में स्टार्ट हुआ. इन दोनों के बीच में जो अंतर था वो 27 महीने का अंतर था, ठीक है. मतलब जब ये फाइनली डेवलप हुआ प्लांट, और उसके बाद जब इसमें पहला यूनिट स्टार्ट हुआ उसमें 27 मंथ्स का अंतर था. 27 मंथ्स के बाद पहला यूनिट, प्लांट के डेवलप होने के बाद पहला यूनिट 27 मंथ्स बाद शुरू हुआ, जो कि सबसे कम समय में शुरू होने वाला प्लांट है, ठीक है. सबसे कम समय में शुरू होने वाला यूनिट है ऑल ओवर इंडिया, सबसे कम समय में शुरू होने वाला यूनिट है, ठीक है. इसे याद रखेंगे, इनके इस क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे कम समय में शुरू होने वाला कौन सा यूनिट है, तो वो है दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन का यूनिट. तो वहां से आप आंसर दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन डाल सकते हैं. तो इसमें हमने पावर प्लांट्स करे हैं, और कंपनी उस कंपनी को जाना है जो इन पावर प्लांट्स को मेंटेन करती है, वो है HPGCL जी. और फर्स्ट जो पावर स्टेशन हमने लिया वो PTPS है. सेकेंड जो है वो दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन है, यमुनानगर में है. दो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड एंड शंघाई इलेक्ट्रिक, जो कि चाइना की है. कोयले पे बेस्ड है ये. और पहला यूनिट इसका 2008 में स्टार्ट था, जबकि ओरिजिनली ये 1981-82 में इसका जो सा था पेपर्स पर ये आ गया था, बट पेपर्स पर ही रहा, आगे बढ़ी नहीं इसमें बात. तो बट फाइनली जो डेवलप हुआ ये पूरा पावर प्लांट वो 2005 में हुआ, और पहला यूनिट जो सा था 2005 के बाद 2008 में शुरू हुआ, जो 27 महीने के अंतर में शुरू हुआ, और ये सबसे कम समय में शुरू होने वाला यूनिट था, ठीक है. और दो यूनिट से इसमें 300 मेगावाट के, जिसकी वजह से इस पूरे पावर प्लांट की कैपेसिटी 600 मेगावाट बन गई थी,
ठीक है. तो आज के जो से टॉपिक है हमारा, जो आज का जो लेक्चर था, वो इसी इन्हीं दो पावर प्लांट्स पर और इसकी कंपनी पर जो सा था वो बेस्ड था. अभी पावर प्लांट्स और हैं जिस वजह से जो सा है इसके नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं पावर प्लांट्स ही इसमें इन्वॉल्व करूँगी. ठीक है, तो आप प्रिपेयर करते रहो. ठीक है, ओके. और अगर मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें. ठीक है, प्रिपरेशन अपनी फुल स्विंग में जारी रखें. ठीक है, थैंक यू सो मच.